लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन से महज 15 किलोमीटर दूर बसी गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी आज भी अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रही है। इस कॉलोनी में ना तो लोगों के लिए पीने का साफ पानी है, ना पार्क, ना इंटर कॉलेज और ना ही कोई शमशान घाट। लिहाजा नेताओं की भ्रष्टाचारी से परेशान अब एक 80 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति खोड़ा नगर पालिका परिषद के गेट पर धरना देने बैठ गए हैं। पिछले 3 दिनों से लगातार उनका धरना जारी है। ऐसे में उनका कहना है कि जब तक जिला प्रशासन खोड़ा कॉलोनी को मूलभूत सुविधाएं मुहैया नहीं करा देती और भूमाफियाओं पर कार्रवाई नहीं करती, तब तक उनका प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। वहीं दूसरी तरफ खोड़ा में पानी की समस्याओं को लेकर संघर्ष कर रही खोड़ा रेजिडेंट्स एसोसिएशन ने प्रदर्शनकारी बुजुर्ग को अपना समर्थन देते हुए कहा कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक 80 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति मूलभूत सुविधाओं के लिए धरने पर बैठा है। देखिए, पिछले 4.5 वर्षों से हम भी लगातार खोड़ा के अंदर पानी के विषय को लेकर निरंतर काम कर रहे हैं। शासन प्रशासन ने डिमांड कर रहे हैं कि खोड़ा की 12 लाख आबादी को जल्द से जल्द गंगा जल वाटर सप्लाई दिया जाए। जैसे कि आप जानते हैं कि खोड़ा के अंदर हाउस टैक्स लगा दिया गया है बिना तैयारी के। जिस खोड़ा के अंदर नंबर प्लेट नहीं लगी हुई है और हाउस टैक्स नहीं है, वेरीफाई हाउस टैक्स नंबर नहीं है और उसके बावजूद भी खोड़ा के अंदर हाउस टैक्स लगा दिया गया है। लेकिन सन 2014 में और 2023 आ चुका है, खोड़ा को हर चुनाव के अंदर यही कहा जाता है कि हम इस चुनाव के बाद खोड़ा को गंगा जल वाटर सप्लाई देंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्य इस कॉलोनी के लिए। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, जो बुजुर्ग आज खोड़ा के अंदर, खोड़ा नगर पालिका के अंदर जो धरने पर बैठे हुए हैं, ऐसे बुजुर्गों को हम समर्थन करते हैं और जल्द ही उनके धरने पर हम पहुँच कर अपना समर्थन देंगे। आपको बता दें कि धरने पर बैठे बुजुर्ग व्यक्ति एकता परिषद के संयोजक ब्रह्मेश्वर नाथ मिश्रा हैं, जो कि खोड़ा कॉलोनी के ही निवासी हैं। ये पूर्व में भी पानी की मांग को लेकर धरने पर बैठ चुके हैं, हालांकि उस दौरान अधिकारियों के आश्वासन के बाद उन्होंने धरना खत्म कर दिया था। ऐसे में जब अधिकारियों का आश्वासन खोखला ही साबित हुआ तो मजबूरन उनको दोबारा एक बार फिर खोड़ा नगर पालिका कार्यालय के गेट पर धरना देना पड़ा। उनका कहना है कि जब तक प्रशासन खोड़ा को साफ पीने का गंगा जल वाटर और नेताओं द्वारा कब्जाई गई जमीनों पर कार्रवाई नहीं करता, तब तक उनका धरना यूं ही जारी रहेगा।